नगर पालिका परिषद महाराजगंज नए साल पर शहर वासियों को तोहफा देने जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पलता मंगल और अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि महाराजगंज में जल्दी ही सभी सुविधाओं से युक्त पार्क शहरवासियों को मिलने जा रहा है, तो वहीं गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए इसमें एक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुकानदारों के लिए दुकान बनवा करके ही आमंत्रित करने की योजना है। इस योजना को आज पूरी तरह से अमली जमा पहना दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पलता मंगल ने आज संबंध में मौके पर निरीक्षण भी किया और जरूरी निर्देश दिए। ये सब कुछ जिला अधिकारी अनुज झा के निर्देश पर अमल में लाया गया। जैसे बच्चों के लिए कोचिंग वगैरह बड़ी बन सके और वहाँ पे एटीएम, क्योंकि जिला मुख्यालय है और उसके पास में एटीएम की व्यवस्था नहीं, और जैसे कहें पिंक शौचालय हो गया जो सार्वजनिक शौचालय, तो उसकी व्यवस्था हम लोग वहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये जो मुख्यालय जब अंदर आप जाते हैं तो कॉर्नर की जमीन है नगर पालिका की, उसी की, तो ये सारा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बस कभी भी हम लोग काम शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, पार्क बनेगा और क्या व्यवसायियों के लिए भी कुछ बनने वाला है? हाँ, क्या है पेंडिंग जोन है तो वो बनवाया जाएगा, और इसके साथ साथ में एक लाइब्रेरी भी हम बनवाएंगे गरीब बच्चों के लिए, जिसमें कि वो आके बैठ के अपना पढ़ सकेंगे। सर अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बस थोड़ा वक्त हमें चाहिए। काम तो बहुत है, नालियाँ हैं जो बनी है, सड़कें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत। सफाई पर क्या कहेंगे, देखिए शिकायत आ रही है। अरे सर सफाई के लिए तो हम नहीं, सर सफाई के लिए तो अभी आपने सुना ना, मैं खुद ही जा रही थी कि सफाई की पूरी कोशिश करते हैं कि सफाई अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी पहली जो प्राथमिकता ये थी कि सफाई व्यवस्था। सफाई कर्मियों की बहुत लंबी फौज है यहाँ पर। हाँ सफाई कर्मियों की फौज, मैं पूरा खुद ही जा के निरीक्षण करती हूँ जगहों पर, और वहाँ पर जाके देखती हूँ अगर कहीं गंदगी होती है तो फिर एक्शन लेती हूँ अपने सफाई कर्मियों पर भी, क्योंकि अब भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ, कितना कर सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सफाई व्यवस्था को भी सुधार कर सकूँ। और नाली वालियाँ का है वो भी हमारे यहाँ से काम शुरू हो गया, तो जगह की रोड का हम लोगों ने बात की, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे विभाग की नहीं है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी की रोड है, लेकिन हम लोग फिर वहाँ पर बात करके। और वहाँ एक बड़ी समस्या सर, यहाँ से लेकर मुख्यालय के बीच में उस रोड पर एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं था, वो भी चीज़ है। हाँ। इतना लंबी दूरी है, बीच में बहुत ही समस्या है। नहीं, नहीं, हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। हाँ।